जलपाईगुड़ी में लापता क्रिकेटर बाप्पा साहा की तलाश करने के लिए गोरुमारा वन विभाग के 6 पालतू हाथियों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी की रेस्क्यू टीम व सिविल डिफेंस के कर्मचारी की सहायता से रविवार को मूर्ति नदी इलाके में बाप्पा के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। इसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। मेटली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाप्पा के लापता मामले में तथ्यों को जुटाकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। जलपाईगुड़ी रेस्क्यू टीम के डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनर स्वरूप मंडल ने कहा कि बाप्पा के तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, इसके बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वहीं माल भकमा के पुलिस अधिकारी देवाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि बाप्पा साहा के लापता मामले में अपहरण का मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ज्ञातव्य है कि शनिवार को बाप्पा के परिवार वालों के आधार पर आनंद सरकार 37 वर्ष, सलेक प्रतीक 43 वर्ष और चालक देवाशीष दे 47 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन कोर्ट में पेशी के बाद न्यायाधीश ने तीनों को 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों को आईपीसी की धारा 364 व 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार को एसपी अमिताभ माइती से मुलाकात के दौरान बाप्पा साहा के परिजन ने अपहरण का मामला दर्ज करने की गुजारिश की थी। मामले की सीआईडी जांच की भी मांग की गई थी। इसके बाद ही तीनों की गिरफ्तारी हुई। बीते मंगलवार को मूर्ति नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए बाप्पा साहा नदी में गिर गया था। इसके बाद से ही वह लापता था।